प्रेरित जी इन बहनों की बहुत बड़ी गवाही है और इनकी गवाही ये है कि जैसे कब्ज कॉन्स्टिपेशन, इनकी गवाही ये है कि जो सिस्टर बहुत परेशान थे इस प्रॉब्लम से। और सबसे पहले हम बताते कि जो सर्वजी सिस्टर है और जिस सिस्टर की प्रॉब्लम ये है, ये आप सबकी प्रॉब्लम सेम है, हाँ सबकी प्रॉब्लम सेम है, बताओ क्या कहते हैं। इनकी सेम प्रॉब्लम कब्ज की है, एक ही रोग है। और सबसे पहले जिस सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और जिस सिस्टर को 2 साल से कब्ज की प्रॉब्लम थी और जो बहुत परेशान थे, बहुत सारी मेडिसिन ले रहे थे और फिर भी अच्छे नहीं थे हो पा रहे। और सेकेंड सिस्टर जे जिस सिस्टर का नाम गुरमीत कौर है और जिस सिस्टर जिसने ये ऑरेंज कलर का सूट पहना है, क्योंकि अलग अलग हमें पता चल सकता है कि आप अपना हाथ हिलाओ जिसका भी नाम ले रहे हैं। हाँ। गुरमीत कौर है, इनको भी 1 साल से जे प्रॉब्लम थी, जे भी बहुत सारी मेडिसिन खा रहे थे। और संदीप सिस्टर, इस सिस्टर को 2 महीने से जे ही कब्ज की प्रॉब्लम थी, जे भी बहुत परेशान थे, रेगुलरली मेडिसिन ले रहे थे। और जो सिस्टर सुमन है, इनको जो प्रॉब्लम 2 साल से थी और जे भी मेडिसिन ले रहे थे, जो सिस्टर बताते कि जे कंटिन्यू ही रात को मेडिसिन लेते थे और जिससे जे बहुत परेशान हो रहे थे। पर जे सिस्टर सभी ऐसे मिनिस्ट्री में आ रहे थे और एक हम पिक को भी देखेंगे। जिस सिस्टर को 15 साल से इसको भी कब्ज की प्रॉब्लम थी, 15 साल हो चुके थे कि जे भी सिस्टर मेडिसिन खा रहे थे और जे बहुत परेशान हो चुके थे। और जिस सिस्टर बताती कि जैसे संडे की मीटिंग में आए और प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे। अच्छा, ये भी इनके साथ ही है, इनके साथ ही ये आई नहीं, ये आज आई नहीं है, संडे को आएंगे ये अच्छा आई नहीं, इसलिए आप पिक दिखा रहे हो। हां जी, ठीक है, ओके बोलो। तो इनको भी 15 साल से कब्ज की प्रॉब्लम थी और जे सिस्टर भी मेडिसिन बहुत सारी खा रहे थे और फिर भी अच्छे नहीं तो हो पा रहे। और जैसे इन्होंने भी बताया कि जैसे प्रभु के दास संडे के दिन हीलिंग प्रेयर कर रहे थे कि जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उस क्लिप को भी देखेंगे। जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन, वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। आपको ये पता नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, आपके जीवन में बीमारियों को पैदा करेगी। ये नॉर्मल चीज नहीं है, सुनने में नॉर्मल है पर भी ये आपके शरीर को खराब करेगी और बहुत सी बीमारियों को पैदा करेगी। और विश्वास करो, आप जो कोई भी हो, आप जो कोई भी हो, अगर आपके साथ ऐसा है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज की बीमारी रहती है, अगर आप में कोई है जो ऑनलाइन है, अभी आप आगे आ जाओ। अगर आप में है से ऐसे कोई भी है, आगे आ जाओ। जिनको जिनको ऐसे है, मैंने कहा जल्दी से आगे आओ, जल्दी से, जल्दी से। ये आपको पता नहीं आपके जीवन में कितनी बीमारियों को पैदा करेगी, पर परमेश्वर महान है। उन चीजों से होने से पहले ही मैं कहता हूं, परमेश्वर महान है जो आपके मन को जानता है और उन बीमारियों से पैदा होने से पहले ही आपको डिलीवर करेगा, आजाद करेगा। इसलिए अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। क्या बात है, ये सब एक ही रोग के बीमारी के लोग हैं। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। आज खुदा का बड़ा दिन आपके छुटकारे का दिन है। जितने ऑनलाइन है, अगर वो भी इस चीज के, इस बीमारी के शिकार है, आज आपके लिए बड़े छुटकारे का दिन है। चल, अंधकार की शक्तियां अपने पेट पर हाथ रखो, अपने पेट पर हाथ रखो। चलो, मैं खुदावंत तेरे स्वर्ग से दुनामत सामर्थ को मांगता हूं इसी समय। मैं स्वर्ग से तेरी दुनामत सामर्थ को मांगता हूं राइट नाउ। परमेश्वर इसी समय इनके शरीरों पर काम करें, इनके शरीरों पर काम करें राइट नाउ। चल चल शैतान, निकल इनकी जिंदगियों से, चल पूरी तरह से आस राइट नाउ, आउट 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 विद द नेम ऑफ जीसस बी हियर फ्री। निकल इनकी जिंदगी शैतान पूरी, आउट आउट, फ्री फ्री विद द नेम ऑफ जीसस बी हियर फ्री फ्री
free. Out, 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 out. In the name of Jesus, be healed. Free, free, out, free, out. विश्वास करो, विश्वास करो, अपने हाथों को उठाकर रखो, अपने हाथों को उठाकर रखो। परमेश्वर आपको फ्री कर चुके हैं। विश्वास करो, अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो कि परमेश्वर आज मैं इस बीमारी से, पेट की रोग से, इस कब्ज से, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगी हूं। जो वचन तेरी ओर से आया है, तेरे वचन में लिखा, वो वचन प्रभाव रहती प्रभावशील है। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावंद आज से ये मेरी कब्ज की बीमारी से तू मुझे हील कर चुका है। आज से मैं इस चीज से, इस बीमारी से आजाद हो चुकी हूं। अपने मन को फिराओ। ये परमेश्वर तो प्रेरित जी, जैसे ही उस दिन आपके द्वारा ली हैंड प्रार्थना हुई तो सिस्टर ने रिसीव किया और आज ये बता रही है बहने कि आज ये प्रॉब्लम से टोटली फ्री हो चुके। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। देखो, सच में परमेश्वर महान है। बोलो क्या है? और वो आपके मन की बातों को जानता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का आत्मा उसकी गूढ़ बातें जानता है। वो सब कुछ जानता है। क्या करता है? आज भी आपके मन में क्या है किसे बताएं? बोलो किसे बताएं? आपकी क्या घटी, आपको क्या जरूरतें हैं, आपकी क्या बीमारी है, किसको बताएं? पता है कि नहीं पता उसे? परमेश्वर महान है सच में। हाँ, कैसे एक साथ परमेश्वर ने उस बात के लिए मेरे मुंह को इस्तेमाल किया? क्योंकि परमेश्वर को एक मुंह चाहिए। क्या चाहिए? और उसने कैसे उस दिन मुझे इस्तेमाल किया? और एक साथ, हाँ, कुछ लोग तो आए भी नहीं। हाँ, एक की तो हमने पिक दिखाई। तो कैसे एक साथ परमेश्वर ने सब लोगों को फ्री किया? आमीन। सच में परमेश्वर आपका परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और डॉक्टरों का डॉक्टर, डॉक्टर जीजस। ऊंचा ऊंचा तारीफ करो, ऊंचा डॉक्टर जीजस के लिए तारीफ करो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया।